स्वच्छ भारत मिशन के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के मनरेगा सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सचिव मौजूद रहे। बैठक में शासन द्वारा 34 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज परफॉर्मेंस ग्रांट की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें हम आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करेंगे गांववार और हर 15 दिन में इस तरह बैठक करेंगे। अभी इसकी प्रगति बहुत धीमी है और ये संतोषजनक नहीं है। अगर दिसंबर तक सारे काम पूरे करने हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम लोग क्या व्यवस्थाएँ सोच रहे हैं, मैंने पिछली मीटिंग में फिर से चेक करा रहे हैं। उसमें मेरे लिए संतोषजनक बात यह है कि कुछ परियोजनाएं हमें दिख रही है कि पहले से निर्मित हैं, तो उसको भी प्रस्तावित किया गया। हो सकता है वो पहले से बनी है तो उसको आप पहले से हटवा दीजिए, योजना से पृथक कर दीजिए, ताकि हमको उसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत न पड़े। आती से प्रमाण करने बाद तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति हम जारी करा रहे हैं। तत्काल जितने भी पेंडिंग फाइलें थी हमने क्लियर कर दी। जहाँ एस्टिमेट बनाने की बात है तो आरईएस अभी आप माइक में बताएंगे, प्रधान प्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर में सभी पर्याप्त मात्रा में विज्ञप्ति जारी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा होनी चाहिए। हम तीन आपूर्तिकर्ता उसमें तकनीकी रूप से क्वालिफाई हो। जो शर्तें हैं, किसी को फेवर करने की बात नहीं होनी चाहिए, शर्तें सभी समान रूप से रहनी चाहिए और जो निविदा प्रणाली के अनुसार होना चाहिए। जैसे 10 रुपये का है तो कम से कम 10 रुपये का मिनिमम टर्नओवर ये सब रहना चाहिए। करते हुए हम लोग उसका अनुमोदन देंगे और उसके बाद तकनीकी वायलेशन के बाद L1 दर पर L1 बिडर को आबद्ध करना, ये हम लोगों ने तय किया। और जितनी अभी निविदा की तकनीकी स्वीकृति के बाद निविदा प्रक्रिया अगर पेंडिंग है, किस स्तर तक पेंडिंग है, गांव से पेंडिंग है, हमारे स्तर से पेंडिंग है उसका, और अगर हमने निविदा का अनुमोदन दे दिया है तो फिर काम भौतिक और वित्तीय प्रगति क्यों नहीं हो रही है।